इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से परेशान है, जिसके चलते भारत में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात ने जो किया है, उससे पूरा देश सकते में है। आखिर ये तबलीगी जमात क्या है, क्यों इसे इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। मुस्लिम समुदाय के लोगों के अनुसार तबलीगी का अर्थ है अल्लाह की बताई हुई बातों का प्रचार करने वाला, और जमात का अर्थ है समूह, यानी एक साथ इकट्ठा होना। मरकज का मतलब बताया गया है मिलने वाली जगह। जो लोग पूरी तरह से पारंपरिक इस्लाम को मानते हैं, वह लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और ये लोग इसी का प्रचार प्रसार करते हैं। इस तबलीगी जमात का मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बताया जाता है। तबलीगी जमात के विचारों की बात की जाए तो इनके 6 विचार होते हैं, कलिमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, दावतो तबलीग। इन्हीं 6 विचारों को तबलीगी जमात से जुड़े लोग आगे इनका प्रचार और प्रसार करते हैं और इन्हीं को अपना उसूल भी मानते हैं। तबलीगी जमात की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरू होने का समय 1927 में बताया जाता है। तबलीगी जमात का आंदोलन मोहम्मद इलियास अल कांदोली ने किया था। उन्होंने इस्लाम को बचाने और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया था। मरकज से तबलीगी जमात अलग अलग हिस्सों के लिए निकाली जाती है। इन जमातों की अवधि 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 40 दिनों और 4 महीने तक की हो सकती है। हर जमात में करीब 8 से 10 लोग होते हैं, जिसमें 2 लोग खाना बनाने और जमात की सेवा के लिए होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।